हेलो गाइस, माय नेम इज कार्तिक और आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ड्रामा के बारे में। तो कल एजाज खान अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे, तो बहुत से लोगों ने उनसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में पूछा, तो उसके बारे में उन्होंने सीधा कैरी को रिप्लाई दिया है। और रिप्लाई क्या मतलब, सीधे डेथ थ्रेट्स दिए है। तो चलिए आप खुद सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। एक आया है चेरी मीठा, मालूम है क्या? वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी मीठा क्या नाम है उसका, उसका पहला नाम था इल्यूमिनाटी उसके चैनल का, लेकिन उसने क्या किया, चेंज किया उसको, चेरी मिनाटी किया, लेकिन उसका असली नाम है चेरी मीठा। ये मीठा पहले सुन, तेरे को क्या लगता है ये टिकटॉकर सब है वो अकेले है वो बेवकूफ है? तेरे को एक आमिर सिद्दीकी जो है उसने तेरे को कुछ बोला या किसी भी यूट्यूब की कम्युनिटी को बोला या जो भी बोला, तो तू उसके बारे में तेरे को बोलना चाहिए था ना कि सारी जितने लोग हैं टिकटॉकर जो इतनी मेहनत से टिकटॉक बनाते हैं। तू बोलता है कि इन लोग के मुंह ऐसे रहते हैं, अबे तेरा मुंह देखना बे, ये देख, और रोटी जल जाती है ना समोसे में, तंदूर के अंदर रोटी डालो तो जल जाती है, तो कैसी हो जाती है, ऐसा तेरा मुंह है। और तेरे बाल ऐसे है कि वो कॉकरोच के जब पर खुल जाते तो कैसा हो जाता है, वैसे तेरे बाल है। और तू लोगों की मजाक उड़ा रहा है और तू बोलता है कि ये टिकटॉकर जो है ये छोट, तेरी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई बे? तूने 07 को टारगेट किया है ना, तूने 07 टीम को टारगेट किया कि सारे टिकटॉकर जिसमें आवेश दरबार है, जिसमें नगमा खान है, अदनान है, जिसमें फैजू है, सद्दू है, सारे अच्छे, फैज है और भी है, मंजुल है, इतने अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, तेरे को मालूम है इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है ना, तो तू इनकी मजाक उड़ा रहा है। अबे छिछोरे, कान के नीचे बजाऊंगा ना तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल, पीला और नीला। ये लोग असली हीरो लोग है, सारे टिकटॉकर जो है ना यूट्यूबर भी है जो अपनी फैमिली को पाल रहे, लेकिन तू जो है ना, तू क्या बे भगवान है क्या बे यूट्यूब का, तो तू अपने आप को ये मान रहा है मीठे? तू मेरे को मिल, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूं, तू मिलेगा ना मीठा? तेरे को ऐसी पप्पी लूंगा ना बेटा, मैं ऐसा चुम्मा लूंगा ना तेरे को मैं, भाई सुना तू मीठा भी है तो ये मीठे तक वीडियो पहुंचा देना कि चेरी मीठा टिकटॉकरों की मेहनत पे और लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला तू कौन होता है बे? हैं? भाई की छटकेगी ना तेरे गले में अटकेगी, तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी और तेरी आत्मा ना यूट्यूब के अंदर ही भटकेगी, याद रख। इसके बाद रात को जब कैरी भाई अपने सेकंड चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहां लोगों ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने रिएक्ट करते हुए ये कहा, भाई रिक्वेस्ट है एजाज खान की गांड मार। नहीं भाई, हमने जो कर दिया हमने कर दिया भाई, हम अब नहीं पढ़ने वाले इन चीजों में दोबारा। जॉस बेटी कुछ बोल रही है, उनकी बात सुन लो, मैं नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं देख रहा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है मुझे, इसमें ही नहीं रहना है। तो कैरी अभी इस कंट्रोवर्सी को और आगे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन अगर मेरी तरफ से एजाज खान को रिप्लाई देना हो तो मेरी तरफ से उनके लिए बस यही कहना है। और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं, तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार, रुक नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए। और पराग मेरे भाई, भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले, क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं, यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। और आप भी अपनी तरफ से एजाज खान को रिप्लाई दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। और इसके अलावा जन्नत जुबेर जो कि टिकटॉक पर काफी फेमस है, तो उन्होंने भी अपने रिसेंट लाइव इंटरव्यू में टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब ड्रामा पर रिएक्ट किया, तो चलिए देखते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। ये सब वैसे तो ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर कर रहे हैं तो क्रिएटर्स ही, जहां आपको कोलैबोरेट करके यू नो वी शुड मेक इट इवन बिगर, पीपल आर नॉट अब्यूजिंग एंड यू नो दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और ये सब चीजें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ में, आई थिंक इट्स वेरी बैड एंड यू नो दे शुड एक्चुअली पुट अ स्टॉप ऑन दिस। Why are they creating hate, you know? और स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको इस तरह के वीडियोज बनाने चाहिए कि हम इंडियंस हैं, इस टाइम पर ऐसी टफ सिचुएशन है, हमें एक साथ होना चाहिए, एक साथ कुछ आप ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करें जिससे यू नो पब्लिक को फायदा हो, ऐसे इश्यूज ना क्रिएट करके कुछ बेटर कंटेंट क्रिएट करने की जगह आप ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि यूथ के दिमाग में पता नहीं आप क्या डालना चाह रहे हैं, इतना अब्यूसिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जिसको देखकर लोग कमेंट भी अब्यूसिव लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड इन्फ्लुएंसर और अ गुड कंटेंट क्रिएटर। बाय अब्यूजिंग समबडी आप क्या अब्यूज ले रहे हैं या आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को,
This is absolutely and I am clueless. Why is this even happening? Why are we even in this state that we need to talk about it? ये तो question में आना ही नहीं चाहिए था. हम इतने sensible हमारा youth है कि हमें समझना चाहिए कि किस मुद्दे पर हमें बात करनी है, किस पर debate करनी है. But TikTokers versus YouTubers, sensible people making fun of other people, making fun of their own एक ही genre हो गया. आप creators हैं, आप उनका ही मजाक उड़ा रहे हो. मतलब absolutely senseless and very bad. I do not appreciate it at all. I completely agree to what you're saying, and mere khayal se this is totally sensible because both are creators and TikTok banana bhi aajkal there's so much of creativity in TikTok. Purani zamane ki tarah nahi tha ki bas ek frame mein aap kar rahe hain. The way you guys create is brilliant. I think obviously people are enjoying it. It's so entertaining ki you know obviously itna koi सबके पास सेंस है. इतने कम टाइम में इतने मिलियन यूजर्स हो गए, इतने लोग बना रहे हैं. और भले ये ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नहीं फिर आपको पसंद नहीं है इसीलिए आप वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, दूसरों को आप अब्यूज करेंगे. और ये एक फन ऐप है. इससे पहले डब स्मैश भी था, और ये तो चलो अब इतना लोग इतना हाइप हो गया टिकटॉक को, लेकिन यूट्यूब तो कब से लोग वाइंस बना रहे हैं, कब से ये सब चीजें कर रहे हैं, बट यू नो कभी टिकटॉकर्स ने तो ऐसा कुछ उनके ऊपर बोला नहीं है. तो ये था जन्नत जुबेर का पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.